दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCA की यानी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक बहुत फेमस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो बहुत सारे स्टूडेंट हर साल करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी, कोर्स डिटेल्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं MCA के इंडिया में, इसके अलावा बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, प्लेसमेंट क्या होता है अगर आप MCA करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या रह सकती है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अगर आप MCA करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली किनको MCA करना चाहिए और किनको MCA नहीं करना चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस और फैक्ट्स जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे अच्छी बात दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मुझे आशा है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं MCA के बारे में, MCA यानी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर कोडिंग्स वगैरह पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस कोर्स को करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो MCA को कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, चाहे आपने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। जनरली स्टूडेंट्स में ये भ्रम रहता है कि MCA वही कर सकता है जिसने BCA किया हो। दोस्तों ये सबसे बड़ा आप लोगों का मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में है, जो ग्रेजुएशन के, वो भी इसको परस्यू कर सकते हैं, इसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों 10वीं या 12वीं में मैथ्स का होना कंपलसरी है या फिर आपके ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप MCA को परस्यू कर पाएंगे, वरना MCA को परस्यू नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में कि MCA में क्या क्या कोर्स वगैरह होते हैं आपके। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, MCA में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल ये 3 साल का कोर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट BCA करके MCA कर रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे कि जो BCA में आप पढ़ते हो वही आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, जो आपको आपका बेस बनाया जाता है, क्योंकि MCA एक ऐसा कोर्स है जिसको कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है जिसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर कोडिंग और सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो। तो फर्स्ट ईयर आपका कॉमन रहता है, कोर लैंग्वेज नहीं आती। सेकेंड से 5th सेमेस्टर तक लास्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, समर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है, आपकी प्लेसमेंट्स भी आई थिंक इस सेमेस्टर से शुरू हो जाती है। तो MCA जो है उसमें आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है कोर्स स्पेशलाइजेशन करने की जो आपके फाइनल सेमेस्टर में, जैसे कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर सकते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट में कर सकते हैं, इंटरनेट में कर सकते हैं, हार्डवेयर में कर सकते हैं। ये तो कुछ ही कोर्स स्पेशलाइजेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन और होती है, वो कभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में कि अगर आप MCA करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम में आता क्या क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो यही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। कुछ मेन एंट्रेंस एग्जाम जो इंडिया में होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे IIT जैम, ऑल इंडिया MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NIMSET, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है MCA के लिए। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के MCA एंट्रेंस अलग होते हैं, और भी आजकल जो सेपरेट यूनिवर्सिटी है, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सम ऑफ द बेस्ट MCA कॉलेज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं MCA की, बट कुछ बेस्ट कॉलेजेस के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे NIT तिरची, NIT वारंगल, JNU दिल्ली, NIT सुरतकल, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये कुछ नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और अच्छे, कभी हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे उसमें मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा टॉप 30 MCA कॉलेज इन इंडिया, तो उसका आप वेट करें। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या रह सकती है अगर आप MCA करते हैं। तो देखिए दोस्तों, MCA जो कोर्स है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स है, तो इस कोर्स को तो तभी करें जब आपका इसमें इंटरेस्ट हो, राइट। अगर आप MCA करते हैं तो आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं,
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। ये सारे कुछ डेजिग्नेशन है, ये सारे कुछ पोस्ट है। अगर आप एमसीए करते तो आप फ्यूचर में बन सकते हैं, पूरे चांसेस है। कौन कौन सी कंपनीज आती है ये भी बात कर लेते हैं। आईटी कंपनीज मेनली प्लेसमेंट में पार्ट लेती है, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, ओरेकल, ये सारी जो कंपनीज है टेक रिलेटेड वही एमसीए के प्लेसमेंट में आती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पे पैकेज की, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। पे पैकेज की अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करें तो अगर ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है। अल्टीमेटली जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी उसका प्लेसमेंट अच्छा ही होना है। कंपनीज प्लेसमेंट के लिए जब आपके कॉलेज में आएंगी, वो आपका टेस्ट वगैरह लेंगी, वो आपका इंटरव्यू लेंगी, तो आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है उसमें, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट कैसा जाएगा। दोस्तों अगर आपका कॉलेज टॉप रैंकिंग का है, बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपका जो प्लेसमेंट है वो 8 से 12 लाख रुपए साल का इनिशियली लग सकता है। और यदि आप एवरेज कॉलेज से एमसीए करते हैं तो आपका पैकेज जो है इनिशियली 3 से 5 लाख रुपए साल का लग सकता है। डिफरेंसेस तो दोस्तों आते हैं अगर आप एवरेज कॉलेज से एमसीए करते हैं या फिर अगर टॉप रैंकिंग कॉलेज से एमसीए करते हैं, बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस के समय उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, बट उनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप कॉलेज प्लेसमेंट के बाद भी अपनी जॉब खुद लगवा सकते हैं और टॉप लेवल पर आप जा सकते हैं, क्योंकि अगेन जो आपका काम होगा उसी से आप पहचाने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किनको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा था जैसे कि ये प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड कोर्स है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, डेटाबेसेस को मैनेज कैसे किया जाता है, नेटवर्किंग पार्ट, तो यही सारी चीजें इसमें होती है। तो इस फील्ड में तभी आए जब आपका असली में इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों ये वीडियो तो यहीं खत्म होता है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। एमसीए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो अगर आपके कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स जो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।